नमस्कार, मैं शिप्रा झा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ फॉर नेशन में। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बाद भारत ने सोच लिया है कि चाइना को सबक सिखाना है। आर्थिक चोट चाइना को पहुंचाना है, जिसके बाद से ही पूरे देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जा रहा है। और अब इसी को लेकर बिहार में एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के टेंडर को रद्द कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इसमें दो चाइनीज पार्टनर्स थे। इसके साथ ही इस टेंडर को रद्द करने के बाद वापस से रीटेंडर करने को कहा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल का टेंडर रद्द कर दिया है। मंत्रालय ने चयनित सातों एजेंसियों को टेंडर रद्द करने की सूचना देते हुए फिर से रीटेंडर में शामिल होने को कहा है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक दोनों चीनी पार्टनर वाली भारतीय एजेंसियों को कहा गया है कि वे पार्टनर बदलते हुए रीटेंडर में शामिल हों। कोई भी एजेंसी चीनी पार्टनर नहीं बना सकेगी। अब तक निर्माण के लिए चयनित सात एजेंसियों में से दो ने चीनी कंपनी को अपना पार्टनर बनाया था। चीन से विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए फिर से रीटेंडर किया है। 14.50 किलोमीटर लंबे इस सेतु सह अप्रोच की लागत 2,927 करोड़ रुपए है, जिसमें सिर्फ पुल और अप्रोच निर्माण पर 2,412 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। वर्तमान में गांधी सेतु के 38 मीटर पश्चिम की तरफ बनने वाले इस सेतु का निर्माण 3.5 साल में पूरा करने के बाद वही एजेंसी अगले 10 वर्षों तक मेंटेनेंस भी करेगी। पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीना ने टेंडर रद्द होने की पुष्टि की है। पहले वाले टेंडर में बीते वर्ष 4 अक्टूबर तक टेंडर पत्र दिल्ली स्थित मंत्रालय के कार्यालय में जमा हुई थी। विधि मंत्रालय और कई स्तरों पर जांच के बाद इसी महीने निर्माण एजेंसी फाइनल होनी थी, पर 27 जुलाई की नई तिथि तय होने के बाद अब विधानसभा चुनाव के पहले निर्माण शुरू होना संभव नहीं है। इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण या फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस की कोई तकनीकी बाधा नहीं है। गांधी सेतु के अप्रोच को ही चौड़ा कर अप्रोच बनाना जाना है। कुल 14.50 किलोमीटर लंबे इस सेतु के गंगा पर पुल की लंबाई 5.63 किलोमीटर है। पटना की तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 3.38 किलोमीटर है, जिसमें एक ROB समेत एलिवेटेड स्ट्रक्चर की लंबाई 1.56 किलोमीटर है। कंकड़बाग ओल्ड बाईपास के समीप से एलिवेटेड निर्माण शुरू होगा। वहीं हाजीपुर की तरफ अप्रोच रोड की लंबाई 5.48 किलोमीटर है, जिसमें एक फ्लाईओवर का निर्माण भी शामिल है।